एवरीबॉडी, इन दिस वीडियो विल डिस्कस हाउ आई क्लियर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स और कैसे आप भी क्लियर कर सकते हो. आई नो दिस वीडियो इज समथिंग विच इज नॉट नीडेड बाई एवरीबॉडी, बट आई नो वन थिंग दैट देयर आर सम पीपल हु मे नीड दिस वीडियो, सो उनके लिए बना रही हूँ मैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. विल फर्स्ट फोकस ऑन रीजनिंग. रीजनिंग को क्लियर करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं. यू हैव टू स्कोर 35 आउट ऑफ 35 टू क्लियर दिस प्रीलिम्स. वेरी शार्प शब्दों में आपको बता रही हूँ मैं कि अगर आपको चाहिए कि आपका इसका प्रीलिम्स क्लियर हो, आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी पड़ेंगे. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इट इज़ वेरी 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 ईजी टू डू दैट. तो हाउ यू कैन डू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू, अब देखो अभी हमारे पास टाइम है बहुत ज़्यादा, तो अभी क्या कर सकते हो आप, जो बेसिक्स आपके लैग कर रहे हैं ना, जो जो टॉपिक्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आप पिक करो और उसको एक अच्छे एजुकेटर से पढ़ो. मैं यहाँ पे किसी भी एजुकेटर को इम्फेसिस करके नहीं बोलूँगी, इसे ही पढ़ो. बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो. मैं आपको कुछ नाम बता देती हूँ. फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज अंकुश नाम्बा सर, सेकेंड इज बैंकर्स पॉइंट. पुनीत सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं. इट जस्ट अप टू यू कि आप किससे पढ़ना चाहते हो, है ना. तो पहले टीचर्स आप सारे अपने चीज़ें जो कंप्लीट करनी है ना वो कंप्लीट कर लो. जब सो वंस जब आपका जो भी टॉपिक्स है, हो गया साइलो, हो गया इनइक्वालिटी, हो गया डायरेक्शन सेंस, हो गया, जब ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो मेन थिंग्स कम कि आप पजल कहाँ से पढ़ोगे. पजल के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए क्या स्पेसिफिक मैं आपको बोल सकती हूँ, जो कि अंकुश लांबा सर, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ उनसे पढ़ लो. मैं कुछ, मुझे पैसे नहीं मिले बोलने के लिए, कुछ भी नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू, अंकुश लांबा सर से बेटर कोई नहीं पढ़ाता. बट हाँ, ये भी है कि हो सकता है कि आपको उनसे ना समझ आए, तो प्लीज़ आप अपनी बेहतरी के लिए कहीं और मूव कर जाइएगा, ठीक है. उसके बाद मेन थिंग इज प्रैक्टिस कहाँ से करनी है. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी, प्लीज़ ट्रस्ट मी. प्लीज़ आप गाइडली का आप ले लो. मुझे कुछ नहीं, मैं आपको कूपन कोड भी नहीं बता रही, अपना कुछ नहीं बता रही मैं. प्लीज़ गाइडली, ये जो बंडल PDF आते हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो. एंड दैट इज़ अ रामबान फॉर रीजनिंग, फॉर प्रैक्टिस. कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे क्विजेस के फॉर्मेट में भी आते हैं. प्लीज़ डू दैट. क्विजेस में टाइम नहीं मिल रहा, मैनेज नहीं हो रहा, पहले PDF से सॉल्व करो, फिर से उसको आप क्विज के फॉर्मेट में सॉल्व करो. बट प्लीज़ गाइडली से करना, क्योंकि बहुत 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 अच्छा है वो, ठीक है. ये करने के बाद विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स. सी, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत लोग बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत लोग अच्छा स्कोर नहीं करते. अच्छा स्कोर लाइक 30+, अच्छा स्कोर जो होता है 25-30 के बीच में बहुत लोग स्कोर करते हैं. दैट इज़ वेरी एवरेज स्कोर, जो कि मैक्सिमम बच्चे स्कोर करते हैं. बट मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि बहुत लोग उससे अच्छा स्कोर नहीं करते. देर एन नंबर ऑफ पीपल हु डू दैट. तो अगर आप उन किस्म के बच्चों में से हो, देन कॉन्ग्रेट्स, बहुत बड़ी बैटल जीत लिया आपने. क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि देखो स्पीड मैथ्स में आएगा, DI आएगा इंक्लूडेड इन दैट, एंड उसके बाद आती है अर्थमेटिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट अर्थमेटिक सेक्शन. सी, मैं अगर आपको, अगर आप एवरेज हो मैथ्स में, देन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप बहुत ब्रिलियंट हो तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं है. सारी चीज़ आप अच्छे से करो और मॉक टेस्ट लगाओ और गाइड लेके PDF सॉल्व करो. दैट इज़ इट, वेरी 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 सिंपल, ठीक है. बट अगर आपके मैथ्स अच्छी नहीं है, बट स्टिल यू वॉन्ट टू स्कोर 30 इन मैथ्स फॉर SBI क्लर्क, आई हैव रियली नाइस थिंग फॉर यू, प्लीज़ लिसन टू इट. सबसे पहले आपको अपनी स्पीड मैथ्स वाली चीज़ें अच्छी करने की ज़रूरत है. टेबल, स्क्वायर्स, रेशियो वगैरह के जो कुछ कुछ आते हैं वो अच्छे से कर लो. उसके बाद परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज वाली चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको. ये करने के बाद आपको DI के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आने की ज़रूरत है. ये सब आपने कर लिया, मैं आपको टीचर बाद बताऊँगी, बट पहले आप लिखते जाओ क्या क्या आपको करना है. ये आपने कर लिया. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है ना, वो देखना है कि आपको DI कहाँ से पढ़ना है. DI के लिए n नंबर ऑफ टीचर्स हैं. वहाँ पे आप कौशिक सर को फॉलो कर सकते हो, हर्षल सर को फॉलो कर सकते हो, आशीष गौतम सर करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं. एक टीचर है ना टीम AVP में, आई फॉरगॉट SFA से, अगर मुझे, आप वहाँ उनसे भी पढ़ सकते हो. और आशीष सर भी है जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो. ये चार टीचर मेरे पास हैं, आप देख लो आपको किससे समझ आता है. जिससे भी समझ आता है प्लीज़ आप वहाँ से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो. ये करने के बाद जब आप DI अपने अच्छे से कर लोगे, आपके 25-26 नंबर यहाँ से कवर हो जाएंगे. रेस्ट जो क्वेश्चन है, बैटल इज अबाउट दैट. अगर आपने अभी 5 अर्थमेटिक के टॉपिक भी अच्छे से कर लिया ना, यू आर इन, आई एम टेलिंग यू. भले ही अभी इंग्लिश का हम बाद में बात करेंगे, दैट इज़ अलग तरीके का हेडेक है वो, बट या. सो फॉर अर्थमेटिक जो टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं, इसके बिना आप SBI क्लर्क में मत बैठो. अगर आपने किसी ऐसे स्टेज से भरने का सोचा जहाँ पे कट ऑफ बहुत ही हाई जाती है, समझ जाओ आप. सो या, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू टू कवर परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, पार्टनरशिप,
एजेस एजेस इतनी अच्छे से करो, मिक्सचर एंड एलिगेशन भी आपको करना है, ये सब करो, टाइम एंड वर्क करो, कितने आसान टॉपिक है, ट्रेन कितना आसान है, ये सारे ट्रेन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया, प्लीज़ ये सारे टॉपिक्स आप कंप्लीट कर लो। जब आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लोगे ऑटोमेटिकली आपका 30 तक स्कोर जाएगा, बाकायदा आपने स्पीड मैथ्स वाले चीज़ों में अपना अच्छे से स्पीड की प्रैक्टिस करी है, ठीक है। ये करने के बाद प्रैक्टिस की बारी आती है, अगेन आई विल टेल यू टू फॉलो गाइडली, बट अगर आप अर्थमेटिक का पूछोगे तो मैं बोलूँगी क्लास नोट से आप कर सकते हो, नहीं तो अड्डा की एक बुक आती है, आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। ये करते हैं इंग्लिश की, आई नो इंग्लिश एक हेडेक है, ये आपके ही लाइफ में हेडेक नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी लाइफ में ये हेडेक बन चुका है, और इसका हेडेक बनने का ये कारण है कि कभी भी एक्यूरेसी 100% होती नहीं है। जब हम देखते हैं कि मैथ्स की बात हो चाहे रीजनिंग की बात हो, एक्यूरेसी हमेशा हमारी 100% होती है। देखो हो सकता है एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है, बट उसके अलावा देखो एक्यूरेसी हमेशा अच्छी होती ही है वहाँ पे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, हो सकता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी ना हो बट फिर भी आपका एक पेपर निकल सकता है। क्यों निकल सकता है? क्योंकि आप अगर आप अच्छे से रीडिंग करोगे ना और बहुत सारी आरसीज एंड पैरा जंबल सॉल्व करोगे एंड सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, आपको फ़ायदा मिलेगा, आई एम टेलिंग यू ना। 30 to 45 minutes के बीच में जितने भी आपको रीडिंग करी जाए, 30 minutes से कम जाना नहीं है, हो उतनी आपको रीडिंग करनी है। जब आपको रीडिंग से हो जाए कि ठीक है मैंने इतना रीडिंग कर लिया, प्लीज़ सॉल्व 2 to 3 RCs एवरी डे एंड 3 to 4 पैरा जंबल्स एवरी डे। वो वाले नहीं, प्रॉपर पैरा जंबल सॉल्व करना, ठीक है। और जब ये आप करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पीड है ना वो बहुत 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 अच्छी हो जाएगी सॉल्व करने की, और उसके साथ साथ एक्यूरेसी का जो इशू होता है ना, दैट विल ऑल्सो बी सॉल्व। सो अगर आप मुझसे पूछोगे कि कहाँ से इसको करना है, तो आई सजेस्ट यू कि आप प्रैक्टिस मॉक पे जाना, वहाँ पे बकायदा छोटे 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 क्विजेस दिए हुए हैं, मिनी क्विजेस, आप वहाँ से कर सकते हो। और रीडिंग अगर आपको होता है कि इनिशियली आपसे नहीं करी जा रही है, मैं कहाँ से करूँ, तो प्लीज़ आप निमिषा मैम को फॉलो करना, दिल से फॉलो करना, फ्री क्लासेस आती है। और हो सकता है कि मैंने आपको एक दो पेड चीज़ें बताई हो, बट ट्रस्ट मी वो जो पेड चीज़ें मैंने आपको एक दो बताई है ना, मैंने आपके भले के लिए आपको बताई है। हो सकता है कि देखो उसका ऑल्टरनेटिव आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, बहुत सारे चैनल्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लीज़ वहाँ पर जा करके आप फाइंड करो, आपको मिलेगा। सो या दिस इज़ द जिस्ट ऑफ द वीडियो। और एक चीज़ और मुझे कंक्लूड करनी है जाती याद है, दैट इज़ अ मॉक टेस्ट। अभी आप एक 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 मॉक टेस्ट लगाओ जब तक नोटिफिकेशन आ जाती है, उसके बाद वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, ठीक है, तब की बातें तब करेंगे, बट फिलहाल के लिए दिस इज़ इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आई